अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मुगलाई चिकन, जिसे बनाने के लिए मैंने हाफ केजी चिकन ले लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। आधे नींबू का रस डालेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करूँगी वो आपको मिल पाएगी। चिकन को आधे घंटे के लिए हमें मैरिनेट होने के लिए रखना है। अब हम कुछ मसाले को पीस लेंगे। तो देखिए, 2 बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। तो फ्राई की हुई प्याज हम जार में डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज को हम बचा लेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में ऊपर से डालने वाले हैं। अब एक हरी मिर्ची डालेंगे, तेज़ है इसलिए मैंने एक डाली है। 1/2 कप दही डालेंगे, दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डाल देंगे, सूखे खोपरे का पाउडर है ये, या फिर आप सूखे खोपरे को घिस कर या पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 काजू और 5-6 बादाम को भिगोकर हमें इसमें छिलके उतार कर डाल देना है। थोड़ा सा हम इसमें कोतमीर ऐड करेंगे और थोड़ा पानी लगा तो ऐड करेंगे और स्मूथ पीस लेंगे। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब जो तेल में हमने कांदे को फ्राई किया था उसी तेल में हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और बड़ी इलायची। गरम मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद में जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल देंगे इसमें। अभी चिकन को हम अच्छे से तेल में भून लेंगे ताकि जो कच्चे हैं मसाले वो अच्छे से भून जाए, फ्राई हो जाए। देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला है वो ऐड करेंगे। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, काजू बादाम अच्छे से पीस जाने चाहिए, बारीक बारीक टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब पीसे हुए मसाले के साथ भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन को। देखिए, मसालों के साथ चिकन को भूनने के बाद जो फ्राई की हुई प्याज हमने थोड़ी बचाई थी वो भी मैंने इस पर डाल दी है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो 1 ग्लास थोड़ा थोड़ा करके 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ये थिक ही अच्छी लगती है। अगर आप इसकी ग्रेवी को बिल्कुल पतला कर दोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो चिकन मुगलाई का टेस्ट होता है। तो देखिए, 1 ग्लास पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे मुगलाई को पकते हुए और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, चिकन भी हमारी गल चुकी है। देखिए, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड कर देंगे। अब हम कटी हुई हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, क्रीम डालने के बाद में ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो चुकी है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा टेक्सचर आया है हमारी मुगलाई का। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप कि मैंने कितनी थिक रखी है इसकी ग्रेवी को। तो इसी तरीके से खाने में ये मज़ा आएगा। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ, आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए इस पर फ्राई किया हुआ अनियन डालेंगे।
कटी हुई कोथमीर ऐड करेंगे और थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप इस चिकन मुगलाई की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। आप इसको गर्मा गर्म पराठे, नान या फिर तंदूरी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।